खबरों की नई पहचान। ग्रामीणों के 9 सूत्री मांगों को लेकर यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन एवं टाइगर फोर्स ने संयुक्त रूप से संजू महतो के नेतृत्व में ग्रामीणों ने चास नाला सेल के जीएम कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया, जिसकी मांग सेल आई एसपी के अंतर्गत कहीं भी ऊपर कांड्रा मौजा के ग्रामीण समिति के बेरोजगार युवकों को काम के अनुरूप मजदूरी दिया जाए, पेयजल के सुविधा में पाइपलाइन का काम ग्रामीण समिति को दिया जाए, बिजली की व्यवस्था एक माह के अंदर किया जाए। मौके पर शाखा अध्यक्ष संजू महतो ने कहा कि ग्रामीणों की 9 सूत्री मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है, प्रबंधक इस पर नहीं चेता तो आंदोलन जोरदार किया जाएगा, कंपनी का चक्का जाम कर दिया जाएगा, इससे होने वाले क्षति का सारी जिम्मेदारी प्रबंधक की हो। मांग को लेकर बैठे आप लोग सेल प्रबंधक कार्यालय चसनाला यहाँ ग्रामीणों के 9 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, और प्रबंधन अगर समय रहते ग्रामीणों के मांगों पर अगर उचित विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में हम लोग सेल मैनेजमेंट का चक्का जाम करेंगे। क्या क्या मांग है आप लोगों का? मांग पानी बिजली जो ग्रामीणों की मूलभूत सुविधा है इन सब चीजों का, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं, और इन सब पे मैनेजमेंट बार बार बरगलाया जा रहा है, तो आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना है और इस पे अगर मैनेजमेंट नई पहल करती है तो आने वाले दिन में पूरा सेल का चक्का जाम किया। परिचय दीजिए। सुभाष सिंह क्षेत्रीय। आज चासला सेल कार्यालय के समक्ष हम लोग एक दिन से धरना के लिए बैठे हुए हैं और हमारे 9 सूत्री मांग है। ये बहुत ही पुराना सेक्टर टासरा 2 जब प्रोजेक्ट चालू हुआ तो सेल मैनेजमेंट के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया कि हम आप लोग को बिजली पानी और नौकरी रोजगार देंगे, लेकिन बोले वाले मैंने ग्रामीणों के बीच सिर्फ फलने का काम किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ काम अपना निकाल के वो ग्रामीणों को ना बिजली दिया, उसका टेंडर भी हुआ था, टेंडर के द्वारा तार वार भी खींचा गया लेकिन उसको लाइन नहीं जोड़ा गया, इसीलिए आज हम लोग एक दिवस धरना कर रहे हैं। और अगर इसमें सफलता नहीं, अगर कुछ नहीं करता कार्यक्रम, कार्यवाही नहीं करता है प्रबंधक, तो हम लोग इसके आगे उससे